पूरे पूर्वोत्तर का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है। अपनी इस धरोहर का विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, डबल इंजन सरकार कर सकती है। अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखने वाले लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने अतीत में भी कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज अगर स्वच्छता के लिए त्रिपुरा को नई पहचान मिली है तो ये भी डबल इंजन सरकार के कारण मिली है। इसलिए त्रिपुरा में टूरिज्म के विकास के लिए, रोजगार के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये लेपाली एक राज्य में राज करते हैं। आप कोविड की इतनी भयंकर महामारी आई, इतनी बड़ी बीमारी आई, ज्यादा से ज्यादा बीमार होने वाले लोग उसी राज्य में थे, अधिकतम लोगों को मरने की नौबत भी उनके ही राज्य में आई। हमारा त्रिपुरा बच गया, इतनी भयंकर बीमारी आने के बावजूद भी त्रिपुरा के नागरिक बच गए, क्योंकि भाजपा की सरकार आपकी जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सरकार है। अगर यहां भी पहले वाले वामपंथी होते तो त्रिपुरा भी इस भयंकर महामारी कोविड में पता नहीं कितने ही परिवारों के हमारे स्वजन हमें खोने पड़ते हैं। साथियों, 16 फरवरी को जब आप लोग वोट डालने जाएं तो एक और बात याद जरूर रखें, कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों पार्टियां गरीबों को और गरीब बना देती हैं। ये गरीबों के नाम पर नारे लगाती हैं, लेकिन उन्हें गरीबों का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए देश में जब तक इनकी सरकारें रही है, जिन राज्यों में इनकी लगातार सरकारें रही, वहां गरीब ही मरता रहा, गरीब ही बर्बाद होता रहा, श्रमिक ही लूटाता गया। इनके राज में कुछ इने गुने परिवार वही मौज करते रहिए, वही फलते फूलते रहे। आपको एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती, एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से लड़ाना, यही इनकी राजनीति रही है। तीसरी और एक बात, हमारे त्रिपुरा के लोग तो भलीभांति जानते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग देश की जनता के प्रति रत्ती भर भी ईमानदार नहीं है। ये लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे में राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं, ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस वाले और वाम वाले, और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा, उनकी बातों में कोई विश्वास करेगा क्या? और लेकिन मैं एक बात से बहुत तसल्ली में हूं, अब त्रिपुरा की जनता ने भी ठान लिया है, वाम पंथियों ने दशकों तक यहां जो कुशासन दिया है, अब फिर से त्रिपुरा में वो बर्बादी के मंजर आने नहीं देना है।
अब ऐसे बुरे हाल, मैं अभी जब हेलीपैड पे उतरा, कुछ लोग वहां मुझे मिले, मैंने पूछा क्या है भाई चुनाव का हाल जरा बताइए, फिर मैंने पूछा माताओं बहनों का क्या है, तो एकदम से बोल पड़े, अरे साहब माताएं बहनें तो सब वोट डालने वाली। मैंने कहा क्या बात है, बोले पहले यहां माताओं बहनों का बेटियों का जीवन बहुत मुश्किल था, अकेले घर से